हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की लैंग्वेज प्रॉब्लम जो जेई 2022 में आ चुका है। 30 जून आई थिंक ऐसा ही कुछ डेट है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है नॉट अवेलेबल, हो सकता है श्योर नहीं हो, लेकिन है जेई का क्वेश्चन है। आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, और ये लैंग्वेज प्रॉब्लम है। आपको इतना बड़ा सा लैंग्वेज देख के बच्चे जनरली छोड़ देते हैं, पर ये इस लैंग्वेज को आप पढ़ के समझ के आप डिफरेंशियल इक्वेशन खुद का बना सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली आप सॉल्व कर सकते हो। तो आइए देखते हैं। हॉस्टल हैज़ 100 स्टूडेंट्स ऑन ए सर्टन डे, कंसिडर इट डे ज़ीरो। इट वॉज फाउंड दैट टू स्टूडेंट्स आर इन्फेक्टेड विथ सम वायरस। टू स्टूडेंट्स आर इन्फेक्टेड विथ सम वायरस। एज्यूम दैट द रेट एट विच द वायरस स्प्रेड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ इन्फेक्टेड स्टूडेंट्स एंड द नंबर ऑफ नॉन इन्फेक्टेड स्टूडेंट्स। चलो अच्छी बात है। इफ द नंबर ऑफ इन्फेक्टेड स्टूडेंट्स ऑन फोर्थ डे इज 30, देन नंबर ऑफ इन्फेक्टेड स्टूडेंट्स ऑन एट्थ डे, ठीक है, एट्थ डे के लिए आपको फाइंड करनी है कि कितने इन्फेक्टेड स्टूडेंट्स थे। तो सबसे पहले आप इसको स्टार्ट कैसे करोगे, तो एक्चुअली रेडियो एक्टिविटी जो मॉडर्न फिजिक्स में है, वहाँ से इसका कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो कि अगर हम लोग अगर मान लेते हैं कि n इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इन्फेक्टेड हैं, तो किसी पर्टिकुलर रेट की बात करें, अगर हम लोग रेट की बात करें तो dn by dt ऐसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन दैट इज़ इक्वल टू n इंटू 10 माइनस n, ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना। टोटल कह रहा है कि 100 है, तो 100 माइनस n लिख सकते हैं, ठीक है, 100 माइनस n, तो आप यहाँ पे लिख दो 100 माइनस n। हॉस्टल इज 100 स्टूडेंट्स ऑन ए सर्टन डे, कंसिडर इट जीरो डे। इट वॉज फाउंड दैट द टू स्टूडेंट्स आर इन्फेक्टेड विद सम वायरस। एज्यूम दैट द रेट एट विच द वायरस स्प्रेड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ इन्फेक्टेड एंड द नंबर ऑफ नॉन इन्फेक्टेड स्टूडेंट्स। इफ द नंबर ऑफ इन्फेक्टेड स्टूडेंट्स ऑन फोर्थ डे इज 30, द नंबर ऑफ इन्फेक्टेड ऑन द एथ डे क्या होगा, ये आपको फाइंड करनी है। तो इस रेट को आप पहले समझ लो अच्छे से। एन हमने ले लिया है कि चलो कोई नंबर होगा जो इन्फेक्टेड होगा, तो रेट की बात करेंगे तो डी एन बाई डी टी आपको लिखनी पड़ेगी। सो दैट डी एन बाई डी टी कैन बी रिटन एज डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू के टाइम्स एन इंटू 100 माइनस n, ठीक है। इसको फिर आप इंटीग्रेट कर सकते हो जब आप इसको वेरिएबल सेपरेबल कर लोगे। सो दिस इज n इंटू 100 माइनस n एंड k dt, ये आप ऐसे लिख सकते हो। इसको आप जब इंटीग्रेट करोगे तो इसको इंटीग्रेट करने में आपको थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक नंबर दिया गया डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में कुछ नहीं है। तो आप यहाँ लिख सकते हो 100 माइनस n प्लस n, ऐसे लिख सकते हो, और 1/100 आपको मिल जाएगा। सो n इंटू 100 माइनस n, इसको एक साथ रखना, दिस इज योर डी एन दैट इज इक्वल टू के टी प्लस ऑफ सी, राइट। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन के इसके बाद आप खुद से भी कर सकते हो, बड़ा इजी है। तो अब इसको दो इंटीग्रेशन में आप सेपरेट कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको 1/100, और ये हो जाएगा 1/n डी एन प्लस, ठीक है ना, प्लस आपको मिल जाएगा दिस अपॉन दिस, तो 1/100 माइनस n डी एन, इसको भी आप इंटीग्रेट करोगे ये हो जाएगा के टी प्लस ऑफ सी। तो यहाँ पे लॉग एन हो जाएगा, यहाँ माइनस लॉग 100 माइनस n मिल जाएगा आपको, ठीक है। मैं स्पेस बना लेता हूँ थोड़ा यहाँ के लिए, इसे हटा दिया मैंने। तो यहाँ से अगर आप देखो तो आपको मिल जाएगा 1/100 लॉग ऑफ n माइनस लॉग ऑफ 100 माइनस n, ये मिल सकता है आपको, दैट इज इक्वल टू के टी प्लस ऑफ सी। सिंपल सा इंटीग्रेशन है, कोई हाई फाई इंटीग्रेशन नहीं है, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला जो लगाना था आपने लगा लिया। लॉग ए माइनस लॉग बी हमें मालूम है क्या होता है, लॉग ए ये हो जाता है लॉग ऑफ ए अपॉन 100 माइनस n, दिस इज के टी प्लस ऑफ सी, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ऑन ए सर्टेन डे इट वॉज फाउंड दैट टू स्टूडेंट्स आर इन्फेक्टेड विथ सम वायरस, यानी कि अगर आप टी जीरो लिखोगे तो n की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी आपको, राइट। टी जीरो और n की वैल्यू 2, दो बच्चे इन्फेक्टेड थे, ये हो जाएगा 1/100 लॉग ऑफ 2/98 दैट इज इक्वल टू c, तो c की वैल्यू आपको मिल गई लॉग ऑफ 2/98,
ठीक है बच्चों, ये सी की वैल्यू आ गई। तो इस सी की वैल्यू को वापस आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, इसको हटा देता हूँ मैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो C की वैल्यू मेरे को मिल चुकी है, तो मैं आगे क्या लिखूँगा, मैं आगे लिखूँगा 1 बाई 100 log ऑफ n अपॉन 100 माइनस n इज इक्वल टू के टी प्लस 1 बाई 100 log ऑफ 2 बाई 98। ये आपने C की वैल्यू यहाँ पे निकाल दी है। अब ये n और t का फंक्शन आपका बन गया, पूरा n और t का ही फंक्शन है ये। अब आप इसको अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हो। यहाँ पे बोला गया है कि इफ़ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फैक्टर ऑन फोर्थ डे इज़ 30, टी की वैल्यू आप 4 लोगे क्योंकि डे को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन की वैल्यू आपकी हो जाएगी 30, ठीक है ना। यहाँ से भी आप कर सकते हो। और देन नंबर ऑफ इन्फेक्टेड स्टूडेंट्स ऑन एट्थ डे पे क्या होगा, ये आप फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप वापस आ करके आप यहाँ लिख सकते हो एट्थ डे के लिए। तो टी की वैल्यू अगर आप ये देखो, के की वैल्यू हमें नहीं मालूम है अभी तक, के की वैल्यू मालूम करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो आप क्या करोगे, टी की वैल्यू 4 डालोगे और एन की वैल्यू 30 डालोगे तो आपको के मिलने वाला है बेसिकली। तो ये होगा क्या, ये हो जाएगा 1 बाई 100 लॉग ऑफ 30 अपॉन 70, ठीक है ना, 30 अपॉन 70। और ये हो जाएगा 4K प्लस 1 बाई 100 लॉग ऑफ 2 बाई 98, ठीक है, ये 4K है दिस वन। तो यहाँ पर आपको K की वैल्यू मिल गई, ठीक, K की वैल्यू मिल गई। आप वापस यहाँ पे K की वैल्यू उठा के डाल दोगे, तो K की वैल्यू भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या आने वाला है। अब आप यहाँ से खुद से भी कर सकते हो, क्योंकि जैसे K की वैल्यू आएगी ना आपका, फिर और आसान हो जाएंगी चीज़ें। अब मैं इस चीज़ को लॉग वाले को लेफ्ट साइड की ओर ले आ रहा हूँ, तो 1 बाई 100 विल बी ए कॉन्स्टेंट। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 30 बाई 70, और ये चीज़ माइनस में आ गया तो डिवीज़न में चला जाएगा, 2 और 98, ऐसे आप लिख सकते हो। एंड दिस इज़ योर 4K, ये आपको 4K मिलेगा। तो K की वैल्यू 4 आप यहाँ ले जाओ तो ये 1 बाई 400 मिल जाएगा, और ये हो जाएगा लॉग ऑफ 7 12, ये कितना हो जाएगा 7 and 14, 7 21, ये 21 मिल रहा है आपको, दैट इज़ K की वैल्यू लॉग 21 बाई 400 मिल रहा है आपको। तो K की वैल्यू को वापस वहाँ आप डाल दोगे 1 अपॉन 4 ये वाला चीज़ वैल्यूज, तो आपको सिर्फ T और N का रिलेशन आपके लिए रह जाएगा। तो आइए इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लॉग 21 बाई 400 K की जगह डाल देते हैं, ठीक है ना, K की जगह डाल देते हैं हम लोग 1 बाई 100 log of n upon 100 minus n log 21 by 400 into t plus 1 by 100 log 2 by 98। ये आपको फंक्शन मिल चुका है। अब आप काम करोगे नंबर इफेक्टेड ऑन एट्थ डे क्या हो जाएगा, तो एट्थ डे के लिए हम लोग काम कर लेंगे। ये फंक्शन आपको मिल चुका है। अब यहाँ पे t की वैल्यू आप डालोगे 8, तो n आपको फाइंड करनी पड़ेगी। तो t की वैल्यू हम लोग 8 यहाँ डाल देते हैं, ये हो जाएगा n log ऑफ n अपॉन 100 माइनस n log 21 बाई 400 इंटू टी प्लस 8th डे। तो t की वैल्यू आप 8 यहाँ आपको लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे 8 डाल दो और ये हो जाएगा 1 बाई 100 log ऑफ 2 बाई 98। तो 400 में से ये सारा 0 0 0 हटा दो। अब आप अपने तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हो, n की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। दिस इज योर लॉग ऑफ n अपॉन 100 माइनस n, ये हो गया 1 बाई 4 अभी भी है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 21 पे पावर 1 बाई 4 प्लस लॉग ऑफ 2 बाई 98। इसको फर्दर मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये, लेकिन इसको ऐसे किया जा सकता है। दिस वन, ये हो गया हमारे पास log ऑफ n अपॉन 100 माइनस n इज इक्वल टू log ऑफ, अब ये log a प्लस log b का फंडा है, तो आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। दैट मीन्स 21 पे पावर 1 बाई 4 इंटू 2 बाई 98, ये करना पड़ेगा आपको।
यहाँ से आप निकाल सकते हो n की वैल्यू, n अपॉन 100 माइनस n दैट इज इक्वल टू 21 पे पावर 1 बाई 4 इंटू 2 बाई 98 यानी कि 1 बाई 49 आपको मिल रहा है। इधर ये हो जाएगा 1 बाई 49, दिस वन। यहाँ से आप चाहो तो फर्दर सॉल्व कर सकते हो क्योंकि ये अब सॉल्व होने वाला है। यहाँ भी ये 7 का फैक्टर है, ये भी 7 का फैक्टर है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग अगर सॉल्व करें तो ये 21 टू पावर 1 बाई 4 तो हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसको आपको एज इट इज छोड़ना पड़ेगा, लेकिन बाकी चीज़ें आप कर सकते हो सिंप्लीफाई। ये 49 है, ये 49n आपको मिलेगा और ये हो जाएगा 21 पे पावर 1 बाई 4 इंटू 100 माइनस n, ठीक है। तो यहाँ से आप n के लिए सॉल्व कर सकते हो, तो 21 टू द पावर 1 बाई 4 के टर्म में भी आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है ना। ये आपको मिल रहा है 21 पे पावर 1 बाई 4, तो अल्टीमेटली ये क्या मिलेगा आपको, आपको मिल रहा है 49n प्लस 21 पे पावर 1 बाई 4n दैट इज इक्वल टू 21 पे पावर 1 बाई 4 इंटू 100। ये n आप कॉमन ले लोगे, सो 21 पे पावर 1 बाई 4 इंटू 100 अपॉन 49 प्लस, ये आपको आंसर मिलेगा, ठीक है बच्चों। 21 टू द पावर 1 बाई 4 के टर्म में मिलेगा, इसको आप नोट कर लो बच्चों। और आपके पास भी कोई डाउट है तो आप मुझे भेज सकते हो, आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। जब तक जेईई नीट खत्म नहीं होता है हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। बाय बच्चों, टेक केयर।